अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विज लर्न टू टाइप। पेज नंबर है 42। इसकी आज हम एक्सप्लेनेशन लेंगे बहुत अच्छे से। पहले मैं रीड करूँगी, फिर मैं समझाऊँगी। आप लोगों ने भी घर पे इसकी अच्छी सी रीडिंग करनी है और अंडरस्टैंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लेनेशन विज लर्न टू टाइप। ओपन पेज नंबर 42, ठीक है। विज लर्न टू टाइप, वी मस्ट प्रैक्टिस टाइपिंग टू इंक्रीज आवर स्पीड। When we type, we should maintain good postures. The table should be at the correct height. The chair should be comfortable. The keyboard should be below or the same level as the elbows. ठीक है students? कह रहे हैं कि हमें जो है practice करनी चाहिए typing की, increase करने के लिए अपनी speed। फिर बोल रहे हैं हमें जो है मेंटेन करना चाहिए पोस्टर, जो हम मतलब जो भी ड्रॉ करें, जो जो भी हमें करना है। टेबल जो है हमारा वो बहुत ही करेक्ट हाइट पे हो, ना इतना छोटा हो ना इतना बड़ा हो। चेयर जो है वो हमारी कंफर्टेबल हो। कीबोर्ड जो है वो ब्लू नीचे हो और अच्छे से सेम लेवल पे हो और हमारे एल्बो तक हो। सेम एज द एल्बो मीन्स हमें किसी चीज़ की मुश्किल ना हो टाइपिंग करने में, हम बहुत ही ईजी वे में करें। ओके, सो पेज नंबर 43। वी शुड सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर सो दैट वी आर पोजिशनेड इन फ्रंट ऑफ द जी एंड एफ कीज ऑफ द कीबोर्ड। हमें जो है फ्रंट पे बैठना चाहिए कंप्यूटर के, ठीक है, ताकि हमारी जो पोजीशन हो वो बिल्कुल करेक्ट हो, हमारी फ्रंट पे हो, ठीक है। वी शुड सिट अप स्ट्रेट सो आर आईज आर जस्ट अबव द टॉप ऑफ द मॉनिटर एंड वी डू नॉट स्ट्रेन आर नेक्स। हमारी जो है मतलब जो हम जो हमें जो बैठना चाहिए वो बहुत स्ट्रेट बैठना चाहिए। हमारी आईज़ जो होती हैं वो फिर एकदम मॉनिटर पे ही जाती हैं। हमारी जो नेक है वो फिर मतलब हमें इतना पेन नहीं होता, ठीक है। हमारी नेक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारी आईज़ बिल्कुल मॉनिटर के सामने होनी चाहिए, ठीक है। हमें इन बातों का क्या ख्याल रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखें प्लेस पेज नंबर 44। प्लेस द फिंगर्स of the left button on the alphabet keys A S D and F। फिंगर को मतलब एक से दूसरी जगह पे प्रेस करें, ठीक है, कीबोर्ड पे। लेफ्ट हैंड पे हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो A S D and F होते हैं। प्लेस द फिंगर ऑफ राइट बटन, राइट हैंड के साइड पे हमारी कौन सी कीज़ होती हैं, J K L and एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो ये मार्क बना हुआ है ये भी हमारी क्या होती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे, ठीक है। सब चीज़ें नीचे आपको शो हो रही हैं बहुत ही क्लियरली। ओके, वी यूज़ द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड टू टाइप। लेफ्ट हैंड पे अगर हम टाइप करेंगे तो ये सब टाइप होगा। वी कैन ऑल्सो टाइप, ये टाइप करेंगे। वी यूज़ द फिंगर्स राइट हैंड साइड राइट हैंड टू टाइप, ये टाइप होगा। वी कैन ऑल्सो टाइप, ये टाइप होगा, ठीक है। पेज नंबर 45। प्लेस योर फिंगर ओवर द टू सेट्स ऑफ फोर कीज, स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर्स अक्रॉस द प्रेस एंड जी एंड एच की, एक्सटेंड द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर्स टू प्रेस जी, एक्सटेंड द राइट इंडेक्स फिंगर टू प्रेस एच। यही बता रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताया है। फिंगर जो है प्रेस करेंगे आप लोग लेफ्ट वाली साइड से तो जी वाली दबेगी, राइट वाली साइड से प्रेस करेंगे तो एच वाली दबेगी, ठीक है।
ये आप लोगों को टाइपिंग करने का प्रोसीजर बता रहे हैं सब, ठीक है? अंडरस्टैंड? यूज़ द थंब टू टेप वंस ऑन द स्पेस बार आफ्टर ईच वर्ड और ग्रुप ऑफ लेटर्स सो देयर इज अ स्पेस बिटवीन वर्ड्स. Place fingers over the two sets of four keys. Stretch the index fingers upwards. Extend the left index fingers to press R and T. Extend the right index fingers to press U and Y. अब बोल रहे हैं कि आप लोग अगर फिंगर प्रेस करेंगे कौन सी वाली, लेफ्ट वाली, तो R और T दबेगा, और राइट वाली फिंगर प्रेस करेंगे, इंडेक्स फिंगर्स प्रेस करेंगे तो फिर यू एंड वाई दबेगा, ठीक है? ऐसे ही ये लोग ई और आई दबेगा, लेफ्ट यूज़ करेंगे तो राइट यूज़ करेंगे तो के एच जे दबेगा, ठीक है? फिंगर, और जब हम करेंगे लेफ्ट रिंग फिंगर तो क्या क्या टाइप होगा? डब्ल्यू. एक्सटेंड राइट रिंग फिंगर तो क्या प्रेस होगा? ओ. ओके स्टूडेंट्स, विद द राइट हैंड वी टाइप. राइट हैंड से हम क्या टाइप कर सकते हैं? ये. लेफ्ट हैंड से हम क्या टाइप कर सकते हैं? ये सब, ठीक है? ये आप लोग के घर में अगर कंप्यूटर होगा तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बुक को अच्छे से रीड करके, चैप्टर को अच्छे से रीड करके, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को करना आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, मैं भी यही सब बताया हुआ है, ठीक है? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. बुक एक्सरसाइजेस आप लोग को मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रही हूँ कि आफ्टर वेकेशन में कराऊँगी क्लास में, क्योंकि मैं आप लोगों से पूछूँगी कि मैंने क्या पढ़ाया था, तो मैं फिर आप लोगों से क्या एक्सरसाइजेस फिल कराऊँगी खुद. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छे से चैप्टर को रीड कर लिएगा, जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लिएगा विद द हेल्प ऑफ द मैसेज. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.